एसी साहब आप मेरे साथ अंदर जाइए, अंदर वाली गलियों पे, वहाँ देखिए कि बाइक्स की वजह से ये बाबर साहब से पूछिए कि किस भाव बिकती है। वहाँ आतिशबाजी हो जाए तो वहाँ ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन, ये अंदर हो सकता है जी? पीछे ऑपरेशन क्या, प्लाजो में जब आग लगती है क्या बनता है फिर? काफ़ी मुश्किल पेश आती है। आप बताएं, अल्टीमेटली इसका हाल तो यही है ना कि पार्किंग प्लाजा बन जाए और ये तमाम बाइक्स जब शिफ्ट हो जाएं तो यही रोड आप देख रहे हैं कि पार्किंग प्लाजा बनता। बात सुने, आप आते हैं, ये करते हैं प्रोग्राम, चले जाते हैं अंदर, यहाँ आकर एक मिनट मेरी बात सुने करके यहीं रुका करो, करें आप मेरी भी बात रुका, यहीं करो मेरी बात सुने ना, मंजी बिस्तरा ले आओ, वो तो आपके पास है, जब आप मर्जी जाएं आए, यही पूछ रहा हूँ कि मंजी बिस्तरा ले आओ। देखे अंदर काफ का एक प्लाट है, वो काफ का प्लाट था, शहबाज ने उसको पार्किंग प्लाजा डिक्लेयर कर दिया, पैसे भी दे दिए, काफ वालों ने नहीं बनने दिया। ये आपके नोटिस में है जी? नहीं, अभी जो बात इन्होंने की है, इस तरह के दो तीन इशू है ना, जैसे ये लिक्विडेशन बोर्ड की जगह है, इसका भी केस चल रहा है, यहाँ पे पार्किंग प्लाजा बन जाएगा, वहाँ बन जाएगा, अल्टीमेटली ये रिजॉल्व होगा और इस पे गवर्नमेंट की भी पूरा फोकस है और अभी साहब की डायरेक्शन ना होगी। ये 2027 का प्लान आप रखें? नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्यों साहब अगर बनना है तो जल्दी बनाए जी, ये बनना चाहिए जी, हम तो रिक्वेस्ट करते हैं कि बने, फौर बनना चाहिए, बिल्कुल फौर बनना चाहिए। अब वो था लोगों के कब्जे में, वो पुलिस ने दो मरतबा उसे वागुजार कराया प्लाट को, मगर फिर कब्जा हो गया। अब इस वक्त जो है ना वहाँ पे स्टैंड लगा हुआ है लेकिन औकाफ का, अब औकाफ को ये हुकूमत को ये डायरेक्शन दे कि वहाँ 8 मंजिला 10 मंजिला प्लाजा बनाए, वो इनकम ले, हमें कोई इतराज नहीं है, वो चार्ज करें लोगों से फीस, लेकिन उसको मल्टी जो स्टोरी होना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा मोटरसाइकिल वहाँ पे जो है ना एडजस्ट हो, ये हमारी गुजारिश है। एक प्लाजा बनने से ये सारे मसाइल जो है उसमें समो जाएंगे, जैसे ये बात कर रहा था, एक प्लाजे में नहीं बनेंगे जी, कितना कैपेसिटी होती है? जो दो तीन प्लाजे बने, एक अंदर वाला बन जाए यासिन स्ट्रीट वाला, एक ये जो मेयर साहब पास कर गए हुए हैं, मियां साहब भी पास कर गए हुए हैं, एक ये बने और एक आधी जगह और देख लें कोई। मुझे किसी ने बताया था कि मेयर साहब को शायद आप लोगों ने कहा था कि पैसे हम लगाने को तैयार हैं, आप हमें दें तो सही। हमारे दुकानदार हमें चंदा नहीं देते थे, हमने पैसे कहां से लगाने हैं भाई? मैं समझा अमीर लोग हैं, मैं समझा अमीर लोग, मैं कहा शायद अमीर लोगों से मुखातिब हूं। थोड़ी सी इसमें रियलिटी की तरफ बात करते हैं तो ये दोनों जगह जो है वो अंडर कंसिडरेशन है। अच्छा, और औकाफ वाली जगह पे भी अगर प्लाजा बन जाए तो वो डिपार्टमेंटल को इश्यूज होते हैं, वो रिजॉल्व हो जाएंगे, अल्टीमेटली डिपार्टमेंट की एक प्रॉपर्टी बन जाएगी। सेकंड, ये जो जगह बता रहे हैं ये बन जाए तो मेरा जाती ख्याल ये है कि यहाँ ये जो कंजेशन आपको थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है ये अल्टीमेटली रिमूव हो जाएगा। जहाँ तक मेन जो हमने यहाँ पर ऑपरेशन किया हुआ है कि हाल रोड की रियल ब्यूटी मीन्स के जो इसकी रियल बिल्डिंग्स हैं उसको दिखाया जा सके। कल जो हमने 14 घंटे MCL के साथ, मैं चाह रहा हूँ कि एक चीज़ आप हमारे साथ थोड़ा सा इधर करीब है, आपने इतना टाइम निकाला, इतना इसे टाइम दिया ताकि आपको इंप्लीमेंट करने में आसानी भी रहे, लब्बा साहब भी साथ हैं, ये बड़ी खूबसूरत इधर चीज़ें आपको दिखाते हैं ताकि उनको सर्कल आप कर सकें और उन पर आप फिल फॉर कोई ना कोई अमल दरामद भी कर सकें। और यहाँ लब्बा साहब इनके साथ, इनके साथी और जो लोग शॉपिंग करने आते हैं वो महफूज रह सकें, ये बड़ी अहम चीज़ें हैं। आइए मेरे साथ जी, आपको कुछ और चीज़ें भी दिखाते हैं और सबसे बढ़कर आपको बताएँ कि यहाँ जो पार्किंग के मसाइल हैं उनको हल करने के लिए फिल फॉर ना सिर्फ उस पर अमल दरामद होना चाहिए बल्कि हालात को बेहतर करने के लिए, यहाँ आतिशबाजी के मसाइल बेपनाह होते हैं उनको ओवरकम करने के लिए जो है वो पूरा मैकेनिज्म बनाने की ज़रूरत है। और यहाँ पार्किंग के मसाइल, काउंटर्स के मसाइल, तजावजात के मसाइल और बहुत सारी रेड़ियाँ भी आपको लगी दिखाते हैं आपको, जिसमें आप देखेंगे और ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि यहाँ से गुजरते लोग कैसे हैं और किस तरीके से यहाँ से गुजर कर जो है वो इनको शॉपिंग करने पर लोग मजबूर होते हैं। और ये एशिया की बेहतरीन मार्केट, ये देखें आपको नज़र आ जाएगा, आम सी बात है, नॉर्मल सी बात है, इस तरह की ब्लॉक ही जाना और इस तरह के जो हैं वो जो है हालात ख़राब होना और इस तरह की आपको जो है वो सड़क ब्लॉकेज, ये बड़ी नॉर्मल सी बात है, कॉमन सी बात है यहाँ। और ये डेली का मामूल है, रोज़मर्रा का मामूल है और इसे जब वन वे किया गया तो उससे भी हालात जो हैं वो बेहतरी की तरफ गए, लेकिन बाहर के जो लोग हैं, अच्छा इसी साहब, ये ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है कि बाहर के जो लोग गाड़ियां लगा देते हैं, चले मोटरसाइकिलें तो लोगों का मसला है, आपने फरमाया था 20,000 लोग हैं, रोजगार व्यवस्था है, आने दे उन्हें जब तक प्लाजा नहीं बनता, लेकिन जो लोग आगे गाड़ियां अंदर लगा जाते हैं, ये गाड़ी आप देखें, इस गाड़ी को अगर इधर ना हो तो बहुत सारी गाड़ियां आगे भी फंसी हैं। नहीं अभी नहीं, आपकी यही रास्ता है जाने का माल रोड से मुकलो रोड, भाईजान एक ही रास्ता जाता है और कितने खुदा के नाम बंदे, आप उधर जंजीर लगवाएं, क्या मसला है, किधर जंजीर लगाएं, इधर बड़ी गाड़ी ना आने दे, नहीं नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, ये कारोबारी लोग हैं, इन्होंने इधर से ही रोजगार खाना, अपने बच्चों को पालना है, तो फिर ये मसले इसी तरह ही रहेंगे, ये मसले ऐसे आप जाते नहीं ठीक हो, नहीं काम क्यों, बड़ी गाड़ी कौन मार्केट में अलाउ करता है जहाँ यहाँ के हालात हो इस तरह के, आज का नहीं
मैक्लोर रोड ऊपर से चला जाए, यही रास्ता जाता है मैक्लोर रोड। मैक्लोर रोड हार रोड से जाना है उसने, इधर से ही जाएगा किधर से जाए। पीर ने लिख के दिया तवीज करवाए, असेंबली का इजलास हो रहा होगा, तवीज करवाए उसने, असेंबली का इजलास होगा वो बंद, लाहौर बंद है, हार रोड खुला है, हार रोड खुला। अच्छा ठीक है, ये अच्छी बात है। अच्छा अभी हम बात करते हैं जो जिस लिए आए थे कि जब तक ये पार्किंग के इश्यूज रिजॉल्व नहीं होंगे, जब तक ये प्लाजा नहीं बन जाता। ट्रैफिक की बात है, यहाँ पे जाहिर बात है बिजनेस करने वाले लोग हैं। आप आए इधर, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। अच्छा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम इम्प्रूवमेंट के लिए जो हम कर रहे हैं वो हम आपको दिखा सकते हैं। हमारे इरादे में ये जो प्लाजा है पार्किंग वो दोनों बन जाएंगे। इम्प्रूवमेंट के लिए हमने इंक्रोचमेंट ऑपरेशन यहाँ किए हैं, जो थड़ों पे पक्की चीज़ें बनी हुई थी उनको रिमूव किया है, जो फुटपाथ है उनके टफ पेवर जो है वो MCL और टिपा मिल के कर रहे हैं। अगर आपका कैमरा दिखा सके तो जरा दिखाए ना, ये बिल्डिंग इनकी शक्लें लोग भूल चुके थे कि इसके पीछे कोई चीज़ भी है। बहुत बड़ा कदम है ये हाई कोर्ट की जानिब से, इन डायरेक्शन पर अमल दरामद करना एक बहुत बड़ा कदम है जी। यहाँ वो कहता है कि ऐसा के नाने शहर ताज़ा हवा के शौक में इतने ना दर बनाओ कि दीवार जा गिरे, तो लोग भूल गए थे हवाएं लेनी। और ये सारे के सारे बैन यहाँ आप देख सकते हैं, इसकी मिसाल ले लें, यहाँ खिड़कियाँ अब आपको नजर आना शुरू हुई हैं। ये साथ वाले प्लाजे जो हैं इनमें भी अगले हफ्ते इसी तरह भरपूर ऑपरेशन होगा, और इसकी खूबसूरती और पुरानी इमारतें उनकी बहाली और ये सारे के सारे बोर्ड उतारना बहुत बड़ा फैसला है हाई कोर्ट का, और उस पर इम्प्लीमेंट किया गया। जी लपता आपने, आपने उस दिन आरएफ सेंटर का ऊपर जाके विजिट किया था ना, आपको सारा पता है कि क्या पोजीशन है ऊपर, आपने विजिट किया तो बोर्ड उतरना शुरू हो गए, बोर्ड तो उतरने शुरू होगा। ये तो एसी साहब और उनकी जज साहब की मेहरबानी है, ये सिर्फ जज साहब की मेहरबानी, इनकी भी हिम्मत है। नहीं 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 नहीं, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, इम्प्लीमेंट नहीं होता, इम्प्लीमेंट नहीं होता, जज साहब ने आप आते तो नहीं उतारने, इन्होंने रिक्वेस्ट, आप देखिए इंतजामिया का करने वाला, इंतजामिया का करने वाला काम जाय साहब को डायरेक्शन देके करवाना पड़ेगा, तो किसकी ना लिया मेरे ये पूछना कि हमारे दोस्तों की है, हमारी है, यही कह रहा हूँ। हाँ जी आप क्या कह रहे हैं? ये कह रहा था कि अगर ये बोर्ड्स की हम बात कर रहे हैं इसमें डेफिनेटली डायरेक्शन तो ऑनरेबल जाय साहब की हैं, कोर्ट की हैं, लेकिन इन लोगों का जो तावन मेरे साथ रहा है, आज से 15 दिन पहले मैंने इनके साथ एक मीटिंग की, शबीर लबा साहब अपने यूनियन के सदर हैं, इन्होंने जो ओवरसाइज शार्प बोर्ड्स थे जिनके बारे में हमें हदायत है कि वो सिमेट्रिकल और सारे लोग गए, वो सारे के सारे इन्होंने खुद उतरवाए हैं, तमाम जो छोटे थे। ये इनकी कैंपेन भी इलेक्शन के लिए भी ये बोर्ड्स के बड़े एंटी रहे हमेशा, बिल्कुल इन्होंने बड़ा पूरा उसमें तावन किया, हर एक से रिक्वेस्ट की, शॉपकीपर्स होते हैं जो इनकी बात नहीं भी मानते, लेकिन अल्टीमेटली इन्होंने करवाया, कुछ चंदे को हमें ऑपरेशन के जरिए भी उतारना पड़ा। ये जो बड़े बोर्ड्स थे ये इनके बस में नहीं आ रही थी बात, तो हमने कल ऑपरेशन किया, आपने देखा, अब अगर आपका कैमरा दिखा सके वो वाली बिल्डिंग, ये वाली बिल्डिंग, ये कितनी हमारी मतलब कल्चरल बिल्डिंग है, बहुत प्यारी बिल्डिंग है, जब इनको रेनोवेट किया जाएगा तो खूबसूरती, तो लेकिन मतलब ये लटकते गुच्छे तारों के इनका क्या करेंगे, काम हो रहा है आतिशबाजी का, जो बहुत बड़ा आतिशफिशां बन जाती है, बस अब तारों के गुच्छे हर जगह। भाई मेरे हमने वापडा को बार बार लिखा है, ये इनका काम तो नहीं ना, एसी साहब का काम तो नहीं ना, ये वायरिंग शेयरिंग ठीक करानी, ये करवाना उनका काम है महकमे का, मेरे पास आए दफ्तर में बैठे, मैं आपको लेटर दिखा देता हूँ, मैं तो ये आपके लेटरों से काम हो गया, कोई काम नहीं होता ही नहीं, फिर इनको दबका दुबका मारने देना जहाँ जहाँ मार सकते हैं, गवर्नमेंट बदली आप काम होंगे देखेंगे काम होते हैं कि नहीं होते जी, आपको पता चल जाएगा 6 महीने में, अल्लाह खैर करेगा, 6 महीने पता चल, 6 महीने काफी होते हैं जी ट्रायल के लिए, आपको 3-4-5-6 महीने में पता चलना शुरू हो जाता है कि हालात जो हैं वो किस करवट बैठेंगे और हालात जो हैं किस तरह वो संजीदगी से बेहतर किए जा सकते हैं। इन बिल्डिंग्स को जब आप रेनोवेट करेंगे तो ये बड़ा खूबसूरत कलर निकलेगा, आप दिखाएं जरा इन बिल्डिंग को, ये दिखाएं जी कैमरामैन साहब, वो यही है कि इन बिल्डिंग्स की रियल जो हमारी है आर्किटेक्चर जो है हमारा पुराना, इसको हम रेनोवेट या इसको जब फ्रेश करेंगे तो इस बाज़ार की खूबसूरती भी बढ़ेगी, और इन लोगों को जो ऊपर को रहते हैं, को किराएदार हैं या शॉपकीपर्स हैं, ऑफिसेज हैं, उनको वेंटिलेशन, लाइट, हर चीज़ की फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल होगी, यहाँ लाइट ही नहीं पहुँचती थी, हवा नहीं जाती थी, बिल्कुल। वह तो आप देखें, जैसे आपने पहली बात की थी कि यहाँ एक बहुत बड़ा, कितने साल बाद बोर्ड उतरे हैं यहाँ से? ये तकरीबन कोई 8-10 साल बाद उतरे हैं, 10 साल लगे जी बोर्ड उतरते हुए, चले अल्लाह का, ये भी डायरेक्शन हाई कोर्ट की ना होती तो ये लगे रहने, बिल्कुल ऐसे ही है, इस बात से एग्री करते हैं आप? बिल्कुल एग्री करते हैं, ये बात है जी कि हाई कोर्ट की डायरेक्शन अगर ना मौजूद होती, हाई कोर्ट की डायरेक्शन हैं लाहौर को खूबसूरत बनाया जाए, हाई कोर्ट की डायरेक्शन हैं कि हार रोड को, मार रोड को रिवाइव करवाया जाए, लाहौर की ब्यूटी, लाहौर की खूबसूरती, उसे जिसको लोग दूर से देखने आते थे, सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, लाहौर के बारे में कहा गया था, तो वो बहाल होनी चाहिए, वो बहाल होगी, गवर्नमेंट की रिट बहाल होगी, तो लबा साहब भी खुशी से, नहीं जज साहब खुद चक्कर लगाते हैं जी, इधर मैं आपको बता दूं,
जज साहब खुद चक्कर लगाते हैं, रात आए देर आए दुरुस्त आए, माल लोड पे उनको कैसे पता ये प्लाजा बना हुआ है, इसकी कंध है, इसके पीछे कुछ नहीं है। उन्होंने उस दिन मेरे सामने हाईकोर्ट में बुलवाया उनको, अगर नहीं आते थे SHO को बोलो इनको पकड़ के लाए, अगर वो ऐसा काम करेंगे तो सारा कुछ दुरुस्त हो जाएगा माशाल्लाह, इससे बेहतरी आएगी। हाँ जी बेहतरी आएगी अल्लाह के। और बोर्ड उतारने से भी आपका जो हुसन है ये देखे ना, प्लाजे का रुख निकल आया, इधर बोर्ड लगे हुए मेरे, देखे बोर्ड का ये नुकर वाला प्लाजा दिखाया, प्रोग्राम किया था ऊपर जा रहा है प्लाजों पे और वो पूरा ही बोर्ड्स पे था, वो आज प्रोडक्शन टीम चलाएगी सारा। हार रोड इस वक्त हम मौजूद हैं और हार रोड सारे के सारे हार रोड पे कब्जा हो चुका है कि दिल के फफोले जल उठे, दिल के दाग से अपने ही घर में आग लगी, घर के चिराग से, हमारे ही बच्चे हैं वो, हमारे ही यहाँ के लाहौर के बंदे हैं, वो ही माफिया बना हुआ है। हमने 100 के करीब करीब लेटर दिखे हैं मेयर साहब को, DCO साहब को, वजीर आला साहब को, किसी पे कोई सुनाई नहीं होती। मैं फहद खान साहब को सलाम पेश करता हूँ, इन्होंने जो लाहौर के अंदर लाहौर चैनल ने तमाशा लगाया हुआ है, इस तमाशे के अंदर यकीन करें बड़े लोगों का फायदा भी हो रहा है। लाहौर के ठेकेदार बने हुए हैं शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब, इन लोगों ने कहा जी ताजर हमारे हैं, ये कहाँ इनकी सारी बातें, ये सब झूठ बोलते हैं, ये ताजरों के मुफाद में सारी जिंदगी नहीं थे। अगर दिखा सकें तो ये तीन तीन लेन की पार्किंग है और सारी की सारी पार्किंग जो है इस पर लाहौर पार्किंग का कब्जा है। इन प्लाजों को आप ये देखें कि किसी हादसे की सूरत में, खुदा ना खास्ता कोई हादसा होता है, तो इनका कौन सा ऐसा गेट है जो एग्जिट गेट कंट्रोल समझा जाएगा? मुझे बताएं कि खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी हो जाती है तो इमरजेंसी एग्जिट गेट का पता है आपको किधर है? आप ये सीढ़ियों से चढ़ के हैं। हाँ। इमरजेंसी को छोड़े नॉर्मल यहाँ से बंदा नहीं गुजर सकता आराम से जब वो जो आप दुकान देख रहे हो ना बिल्कुल सामने, उसके पीछे बोर्ड लगा हुआ है, ये वेंटिलेशन के लिए सारा, हवा के लिए है, लेकिन ये सारा बंद हुआ हुआ है। दुनिया की वाहत चौकी है जी, आइए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें पुलिस चौकी हावर रोड जी है, थाना कला गुजर सिंह। यहाँ पर पुलिस के ASP को और दूसरे लोगों को बैठना चाहिए ताकि यहाँ जो मसाइल है ना वो सारे वो बैठ के हल करें। आपके सामने SP साहब को बोला था कि इनकी ड्यूटी इधर लगाए, सदर रजा कादमी साहब को आपने बुलाया था और उन्होंने कहा था जी इधर बैठेंगे, उस दिन से आज दिन कोई आदमी इनका नहीं आया। ये तकरीबन 30 फीट रोड जो है ये ब्लॉक है, आप देखें अब आवाज आएगी आपको, आपकी और AC साहब को, जज साहब को लोग दुआएं देंगे जिनको आवाज नहीं लगती थी उधर। ये बड़ा खूबसूरत काम है जी इसकी वजह से, और इम्प्लीमेंट किया है इंतजामिया ने, AC साहब ने इसमें बड़ा रोल प्ले किया, बड़ी मेहनत की इनकी टीम ने, 14 घंटे काम किया और बोर्ड जो है उनको उतारा, और बाकी जो बाकी मंदा बोर्ड है वो संडे को तब उतारे जाएंगे, तब यहाँ थोड़ा रश भी कम होता है, हालात जो है वो वर्केबल होते हैं। मेयर साहब की टीम आपको कोऑपरेट कर रही है क्योंकि बोर्ड उतारने वाला सारा लोकोमोटिव वगैरह उनकी तरफ से शायद आता है, उनके पास मशीनरी है। बिल्कुल जी, MCL का मुकम्मल तावन हमारे साथ और कोर्ट की तरफ से, क्योंकि डायरेक्शन थी जॉइंट ऑपरेशन था तो मुकम्मल MCL और कल उनके चीफ ऑफिसर, उनकी पूरी टीम हमारे साथ थी, और कॉन्ट्रैक्टर एक हायर किया गया था जो बड़ी मशीनरी के साथ 90% की एक लेबर के साथ, उसके 14 घंटे काम के बाद ही हम ये कुछ शक्ल निकाल सकते हैं, 32 जो बोर्ड रिमूव हुए हैं, तो वी आर थैंकफुल। बहुत शुक्रिया लब्बा साहब, ACCT साहब बहुत शुक्रिया, और जब तक हार रोड में एक भी मोटरसाइकिल इलीगल तौर पर पार्क रहेगा, प्रोग्राम तमाशा का ऑपरेशन हार रोड में तजावजात के खिलाफ, हार रोड में तारों के उन गुच्छों के खिलाफ जो इंसानी दुश्मन हैं, और इन बिलबोर्ड्स के खिलाफ जो आपको हवा तक नहीं आने देते और माहौल में तब्दीली नहीं लाने देते, उन सब के खिलाफ जारी रहेगा। फाज शहबाज खान को हार रोड से इजाज़त दीजिए, अल्लाह के पास।